नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मिनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल मिनी मोटिवेशनल वीडियोस पर। आज हम बहुत ही स्पेशल बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि सेल्फ हेल्प बुक में वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक रही है। इस बुक का नाम है 7 Habits ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीवन कोवी। मुझे जो पर्सनली लगता है आफ्टर रीडिंग दिस बुक कि कोई भी इंसान अगर इन 7 Habits को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लेता है तो उसे सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए आइए जानते हैं इन सारी हैबिट्स के बारे में। पहली हैबिट है बी प्रोएक्टिव। इस हैबिट के बारे में समझने से पहले हमें एक टर्म समझनी होगी, विच इज सेल्फ अवेयरनेस। ये सेल्फ अवेयरनेस होता क्या है? सेल्फ अवेयरनेस एक ऐसी स्टेट है जिसमें आप अपने थॉट्स के बारे में अवेयर हो पाते हैं एंड अपने आप को उससे अलग करके देख पाते हैं। इट सिंपली मीन्स आप अपने आप को एंड अपने थॉट्स को सेपरेट करके देख सकते हैं। बट यही बात एनिमल्स के ऊपर लागू करें या कोई भी लिविंग क्रिएचर के ऊपर, तो हम पाएंगे कि वो अपने आप को एंड अपने थॉट्स को अलग करके देख ही नहीं पाते हैं। इट सिंपली मीन्स उनके अंदर ये कैपेबिलिटी ही नहीं है कि ये समझ सकें कि ये जो थॉट्स हैं ये हमसे अलग हैं। सो ऑटोमेटिकली हम ये समझ सकते हैं हम ह्यूमन बींग्स कितने पावरफुल हैं फ्रॉम ऑल द क्रिएचर्स इन द वर्ल्ड, बिकॉज हमारे अंदर ये पावर है कि हम थॉट्स को अपने आप से अलग करके देख पाएं और जिस भी वे में अपने थॉट्स को चलाना चाहते हैं चला सकते हैं, चाहे वो या तो नेगेटिव हो या पॉजिटिव। इट डिपेंड्स ऑन अस। इसी बात से मुझे एक और बात याद आई है। बचपन में मैं जब भी अपने दादाजी के साथ बैठा करती थी तो वो ज्यादातर एक बात बताया करते थे कि कैसे उनके जमाने में हर चीज कुछ पैसों में मिल जाया करती थी और अब कितनी ज्यादा महंगाई बढ़ गई है। वो अपनी मिजरेबल सिचुएशन का ब्लेम या तो गवर्नमेंट पे डाल देते थे या अपने आसपास के लोगों पर या फिर अपने बॉस पर। ऐसे लोगों को कोवी ने रिएक्टिव पीपल कहा है। यही रिएक्टिव लोग मेरे दादाजी जैसे हर किसी को ब्लेम करते हैं, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, ना एफर्ट्स डालना चाहते हैं और बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता है इनका अपने थॉट्स के ऊपर और हर सिचुएशन को वो नेगेटिव लेते हैं। वहीं दूसरी ओर प्रोएक्टिव लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, एफर्ट्स डालते हैं, चेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं और थॉट्स के ऊपर उनका कंट्रोल होता है एंड पॉजिटिव लेते हैं किसी भी सिचुएशन को। ये तो हो गई हमारी हैबिट नंबर 1, बी प्रोएक्टिव। अब हम जानते हैं दूसरी हैबिट के बारे में, जो कि है हैबिट नंबर 2, बिगिन विद द एंड इन द माइंड। अब आप इमेजिन करो, आप किसी के फ्यूनरल में जा रहे हो मगर आप अचानक से देखते हो आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स वहां पे कैस्केट के पास खड़े हुए हैं और बहुत रोए जा रहे हैं। आप थोड़ा और पास जाकर देखते हो तो बिल्कुल शॉक्ड रह जाते हो एज आप अपनी खुद की बॉडी उस कैस्केट में देखते हो। तो ऑथर हमें ये बताना चाहते हैं, आप किसी भी गोल को सेट करने से पहले अपना एंड का दिन इमेजिन करो और ये सोचो कि आप क्या चाहते हो आपके बारे में लोग याद रखें। कि आप बहुत अच्छे इंसान थे, अच्छे दोस्त थे, कि आप बहुत मेहनती थे, किसी कंपनी के मालिक थे, एटसेट्रा। वो कुछ भी हो सकता है। आपको ये पता होना चाहिए कोई भी चीज़ रियलिटी बनने से पहले आपके माइंड में पहले आती है। सो आप सोचिए और अपने आप से ये क्वेश्चन कीजिए कि आप अपनी रियलिटी क्या चाहते हैं और गोल उसी के हिसाब से सेट करें ताकि आप बहुत क्लियर हों और लाइफ के एंड में आपको किसी भी चीज़ का रिग्रेट ना हो। अब बात करते हैं हैबिट नंबर 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। इस हैबिट में ऑथर हमें बताते हैं कि हमें अपने काम को प्रायोरिटाइज करना सीखना चाहिए और हर टाइम बेफालतू के कामों में बिजी रहने की जगह हमें अपने काम को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना चाहिए कि सबसे ज़रूरी काम पहले कंप्लीट कर लिया जाए और उसके बाद उससे थोड़ा कम अर्जेंट काम को पूरा कर लें ताकि एंड में आपको कोई टेंशन ना रहे। बिजी रहने का मतलब ये नहीं है कि आप अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट का मतलब ही यही है कि अपने जरूरी काम सारे पहले कर लें और जिन कामों में आपका टाइम वेस्ट होता है जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, नेटफ्लिक्स या अमेजोन प्राइम, ऐसे काम कम करें जो आपको अपने गोल से हटाएं या लाइफ के एंड में आपको रिग्रेट हो। लाइक आप अपने परिवार वालों के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। एक्सरसाइज करें जो कि आपको लॉन्ग रन में बहुत ज़्यादा सर्व करेगा। फास्ट फूड ना खाएं और अच्छा खाना खाएं जो कि आपको हेल्दी रखे। अब आइए बात करते हैं हम हैबिट नंबर 4, जो कि है थिंक विन विन। इस हैबिट को समझने से पहले हमें एक एग्जांपल लेते हैं। लाइक दो रैबिट्स हैं, दोनों के एंड में कैरेट्स रखी हुई हैं एंड दोनों रैबिट्स एक रोप से बंधे हुए हैं। बट प्रॉब्लम यहाँ पे तब क्रिएट होती है जब दोनों ही रैबिट ऑपोजिट डायरेक्शन में भागना शुरू करते हैं अपनी अपनी जगह के खाने को देख के।
इसे क्या होता है, दोनों ही रैबिट्स कैरेट्स के पास पहुंच ही नहीं पाते हैं, एज वो एक दूसरे को हराने में लगे हुए हैं। उन्हें लग रहा है कि एक ही जना अपनी साइड की कैरेट्स को खा सकता है। इसी सिचुएशन को कोवी ने लूज लूज सिचुएशन बताया है, जहां एक दूसरे को हराने के चक्कर में दोनों ही लूज कर जाते हैं एंड किसी को कैरेट नहीं मिलती। यही अगर दोनों रैबिट सेम डायरेक्शन में एक एक बारी करके जाते तो दोनों जगह की कैरेट्स को आराम से खा पाते। ये सिचुएशन होती है विन विन। सेम यही एग्जाम्पल हमारी असल जिंदगी में लागू होता है, जहाँ लोगों के अंदर कंपटीशन की बहुत ज्यादा भावना होती है और इस तरीके की मेंटेलिटी होती है कि कोई एक इंसान ही जीत पाएगा, जबकि इसका ऑपोजिट है। बिकॉज वर्ल्ड में सब कुछ अबंडेंस में है, ये स्कैसिटी वाली मेंटेलिटी हमारे दिमाग की ही उपज है। विन विन मेंटेलिटी डेवलप करने से हर इंसान को फायदा हो सकता है और वो और ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। लाइक मेरा एक यूट्यूब पे चैनल है और कुछ 1000 सब्सक्राइबर्स हैं, और उसी सेम जॉनरा में एक और यूट्यूबर है एंड उसके भी खूब सारे सब्सक्राइबर्स हैं। इंस्टेंट कि मैं उसे जेलस फील करूं और उसकी बुराई करूं, अगर मेरी मेंटेलिटी विन विन वाली होगी तो मैं ये सब करने की जगह ये सोचूंगी कैसे उसे कोलैबोरेट करूं। इससे क्या होगा, एट द एंड दोनों के ही सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे। ऑथर कहते हैं अगर हम ये मेंटेलिटी अपनी हैबिट बना लेते हैं तो हम बहुत इफेक्टिव बन सकते हैं एज अ पर्सन। अब बात करते हैं हम हैबिट नंबर 5, जो कि है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। इस हैबिट में ऑथर हमें बताते हैं हमें एक इफेक्टिव इंसान बनने के लिए एक अच्छा लिसनर भी होना चाहिए। किसी और को अच्छे से समझने के लिए हमें उसका नजरिया भी समझ में आना चाहिए। इस बात को हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं। लाइक हम देख सकते हैं कि ग्राउंड पे एक फिगर बनी हुई है एंड उसके दोनों साइड लोग खड़े हुए हैं। वही फिगर एक इंसान 9 देखता है तो दूसरा इंसान 6 देखता है। दोनों ही अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही है। इसे हमें ये समझना चाहिए लोग अपने अपने नजरिए से सही होते हैं, हमें उनका नजरिया समझ में आना चाहिए। ऐसी मेंटेलिटी वाले लोग जो दूसरे का नजरिया समझते हैं वो आगे जाके बहुत सक्सेसफुल होते हैं एंड एज अ पर्सनैलिटी बहुत ही इफेक्टिव होते हैं। अब हम इस हैबिट को रिलेशनशिप्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। जब लोग एक दूसरे को बिल्कुल सुनना नहीं चाहते और सिर्फ अपनी ही बात कहते रहते हैं, एक दूसरे के नजरियों को समझना ही नहीं चाहते, उससे क्या होता है, एट द एंड वो रिलेशन बहुत ही टॉक्सिक बन जाता है और कई बार तो टूट ही जाता है। तो इन एग्जाम्पल से ये समझ आया है, चाहे वो काम हो या रिलेशनशिप, अगर हमें इफेक्टिव बनना है किसी भी एरिया में तो हमें ये हैबिट डेवलप करने की जरूरत है, जिसमें हम हमेशा ये एक्सपेक्ट करने की जगह कि लोग हमेशा आपको समझे, उसकी जगह हमें लोगों को समझना आना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं हैबिट नंबर 6 की, जो कि है सिनर्जाइज। ये सिनर्जाइज होता क्या है, इसे हम एक कहावत से समझने की कोशिश करते हैं। आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी, एक और एक मिलके 11 होते हैं। लॉजिकली देखें तो 1+1=2 होता है, बट यहाँ 11 क्यों कहा गया है, वो इसीलिए बिकॉज कोई भी काम अगर एक इंसान करता है तो इतना इफेक्टिवली नहीं कर पाता जितना कि दूसरा इंसान के साथ मिलकर कर सकता है। उसका आउटपुट 11 के बराबर हो सकता है अगर एक की जगह 2 इंसान उस पर काम करें। इसी को हम सिनर्जाइज कहते हैं, जब एक इंसान की जगह कई लोग उसी काम को करते हैं तो वो मिलके कई टाइम्स बेटर आउटपुट दे सकते हैं। इसको हम एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। लाइक अगर हम अपने हार्ट, ब्रेन एंड स्टमक को इंडिविजुअली देखें तो ये अपने आप में कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स हैं, बट जब हम ये एक साथ बॉडी में हमारे काम करती हैं तो इसका रिजल्ट बहुत ही इफेक्टिव एंड अमेजिंग होता है। चलिए अब हम बात करते हैं इस बुक की आखिरी हैबिट के बारे में, जो कि है शार्पन द सॉ। सपोज आप एक पर्सन को पेड़ काटते हुए देखते हैं, वो बहुत ही थका हुआ लगता है बट वो कंटिन्यूसली पेड़ काटता ही चला जाता है। आप उस पर्सन से पूछते हैं उसको पेड़ काटते हुए कितना टाइम हो गया है और वो बताता है 6 घंटे से भी ऊपर। आप उस पर्सन की सौ को देखते हैं जिसे वो पेड़ काट रहा होता है, वो इतनी शार्प नहीं होती और आप उसे सजेस्ट करते हैं कि वो थोड़ा काम को रोके पहले अपनी सौ को शार्प कर ले ताकि काम जल्दी हो सके। इंस्टेड आपका सजेशन लेने की जगह वो कहता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है और वो बहुत बिजी है। तो इस एग्जाम्पल से हमें ये समझ में आता है कि रियल लाइफ की सिचुएशन में हम उस आदमी की तरह ही रिएक्ट करते हैं। अपना बेस इम्प्रूव करने की जगह, जो कि है
अपने आप को फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली, स्पिरिचुअली इम्प्रूव करना, इन सब इम्पोर्टेंट कामों को छोड़कर हम यही कहते रहते हैं कि हम बहुत बिजी हैं एंड हमारे पास टाइम नहीं है ये सब काम करने का। तो अब आपको इस एग्जाम्पल से समझ आ गया होगा कि लाइफ में हमें इफेक्टिव होने के लिए अपने बेस को मजबूत करना होगा और ऐसी हैबिट डेवलप करनी होगी। चलिए अब इन सारी हैबिट्स को एक एक बार हेडिंग्स में देख लेते हैं। फर्स्ट, बी प्रोएक्टिव, इसका मतलब अपने थॉट्स को अपने हिसाब से चलाना। सेकंड, बिगिन विद द एंड इन द माइंड, अपनी लाइफ का एंड का टाइम ध्यान रखते हुए अपने गोल को सेट करना। थर्ड, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे अर्जेंट काम पहले फिनिश कर लेना। फोर्थ, थिंक विन विन, ऐसी मेंटालिटी डेवलप करना जिसमें सबका भला हो और सबके साथ लेकर चलना। फिफ्थ, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड, हमेशा ये एक्सपेक्ट करने की जगह सब आपको समझे, ऐसी हैबिट डेवलप करना जिसमें आप लोगों को अच्छे से समझे। सिक्स, सिनर्जाइज, सबके साथ मिलकर काम करने से आउटपुट बहुत अच्छा होता है। सेवन्थ, शार्पन द सॉ, हमेशा अपने बेस पर काम करना चाहिए और उसे स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। जैसे ये हैबिट्स डेवलप करके हम अपना बेस स्ट्रॉन्ग करते हैं। इसी के साथ हमारी बुक की समरी खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक करिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इससे मेरी बहुत हेल्प होगी। इसी तरीके की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैंने सजेस्टेड वीडियोस में लिंक प्रोवाइड कर दी हैं इस वीडियो के एंड में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।